बढ़ाए थे ना। वो तो मैंने बढ़ा लिया पर मैंने, अरे भैया सो है लोग, आज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्श वर्ल्ड। तो भाई लोग, अभी मैं सो के तो अभी नहीं उठा, मतलब पहले भी उठा था, उठ के मतलब फिर सो गया, फिर उठाऊँ तो इसलिए सो गया, क्योंकि भाई आज 11 तारीख सैटरडे है। तो भाई आज स्कूल पहले बता दूँ हो क्या रहा है। तो भाई जैसे मैं सुबह उठा तो मैंने देखा बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है, बहुत तेज़ बारिश। मग चलो थोड़ी देर लेटते हैं, जब रुक जाएगी, पर यार वो भी ना रुकना, क्योंकि आज मैंने स्कूल की छुट्टी मार दिया। मैं छुट्टी ही, मतलब आज कुछ होगा तो मैंने छुट्टी ना भाई सैटरडे मार ली, छुट्टी ही आज की, कुछ बात जो भी स्कूल ने कर रखी। तो भाई इसीलिए मैं उठा, मैं बारिश पड़ रही, और फिर भाई अब फिर उठा और फिर बारिश पड़ रही है, मतलब सुबह से इतनी तेज़ बारिश पड़ रही है, इतनी तेज़, पता नहीं भाई राम जी कैसे करके छोड़ेगा। और थोड़ी देर लेटते हैं और क्या, फिर जब कोई रुकेगी तो देखेंगे कुछ हो रहा। तो भाई लोग, अब मैं पाउच चलाया हूँ, मतलब कि जो बड़ी वाली सोच है वो तो ख़त्म होगी, और अब बारिश वजह से पड़ रही है बाहर बाहर अब भी भाई बारिश पड़ रही है दबा के। तो ये पाउच लाया हूँ, ये पाउच क्यों लाया हूँ भाई, आज बनने मतलब बन गई, बनने के वाली बन गई। तो पहले जब आ गई, जब दिखाता हूँ तो मैं क्या बना। हाँ तो भाई लोग ये देखो अपना पकौड़ी, भाई मुझे पकौड़ी मतलब बहुत ही बढ़िया लगे हैं, और ऐसे मौसम में तो मतलब मेरा गला से भी अजीब सा हो रहा, ठंड के मारा हो रहा, काय को हो रहा। तो पकौड़ी भाई मुझे सबसे बढ़िया लगे, और ये सोस है इन्हें रख के अब खा पी लेते हैं, जब मिलते हैं आपसे। तो भाई लोग, कल वाले कपड़े पहन लिए, मतलब जो रात उतार, मतलब रात दिन उतार कर सोया हमें, तो ये पहन लिए फिलहाल। यार वैसे बारिश पड़ रही है, सुबह सुबह के नहावे धोए। तो भाई अब एक काम है, तो देखता हूँ दूध धरा गया इस पर। भाई ये लंच जाना किसके पास, रूही के पास। रूही भाई अब स्कूल पढ़ने लगे, मतलब गांव के बाहर ये स्कूल, अभी तो मतलब वैसे स्कूल प्ले स्कूल है, मतलब एक तो स्कूल पढ़ाई वढ़ाई फर्स्ट क्लास कुछ ना, प्ले ही है, मतलब नर्सरी से भी पहले ही। तो इसके वो है लंच, तो इस लंच से जल्दी से अपना बाइक काटते हैं बाहर, और इस लंच से दिखाते हैं रूही को। तो भाई लोग, रूही का लंच तो मतलब दे आया मैं, यहीं रास्ते में पड़ता जहाँ हमारा चौधरी भवन है उसी से ही थोड़ा सा आ गया। तो भाई ये देखो बारिश, मतलब रात क्या, अभी सुबह जो बारिश पड़ रही थी उसका देखो, अब तो खैर 9:30 बज रहे हैं, अब रुकी है बारिश, ये देख सकते हो दबा का बारिश पड़ी है भाई। सब घर चलते हैं सीधा ये चौधरी भवन। तो भाई लोग, रूही का लंच तो बहुत पहले जाए, तो जा रहे हैं एक बार, मतलब कि फ्लैट पे जा रहे हैं, मामा वाले फ्लैट पे। अब मामा की लड़की को लेना है उसे, यार अब आज की हमारी छुट्टी है सबकी, तो मैं खिला ही लेते थोड़ी देर, लेने जा रहे हैं उनते। उर्वी यहाँ आ जा, बिस्कुट दिए, ला बिस्कुट तो दे, ला ऊपर ही आओगे, ऊपर आ जा ना, चले यार बसा ले चाय से, ला बिस्कुट दिए वाला, ला खा लूँ मैं, खा लूँ। कहाँ चढ़ेगी कह रही है। तो भाई ये है कुछ व्यू मामा के फ्लैट से, मतलब देख सकते हो आप इधर से, मतलब कि एंट्री होती है, एंट्री गेट है ये, रोड एंट्री गेट, और इधर से ऐसे। बहुत अंदर तक गई हुई सोसाइटी है, लंबी जा रही है, मतलब वो देख सकते हो काफी हद तक, ये देखो। तो काफी लंबे पानी वाले भैया आए हैं जो पानी सप्लाई करते हैं।
तो भाई लोग ये देखिए, मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर आया हूँ बारिश में बसते बसते। और ये देखो भाई, अब मैं तुम्हें टाइम बता दूँ, एक सेकंड, टाइम है भाई 2:30 बज रहे हैं। और 2:30 बजे देखो भाई क्या हाल है, बहुत ही तगड़ी, पता चल रही होगी आपको। एक सेकंड, अभी डग में दिखा रहा हूँ पूरा यार, एक बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, मैं दिखाने नहीं चाह रहा, नहीं दिखा रहा यार, बहुत गलत चीज़ होगी। ये देख सकते भाई पेड़, देखो भाई पेड़ किस तरह हिल रहे हैं भाई, देखो ये देखो। और तुम्हें कुछ नीचे का नज़ारा दिखाऊं तो कुछ, ये देखो भाई, वो देखो भाई, वो देखो पानी निकल रहा है भाई दबा के। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार बारिश में नहा ही लेते हैं 2-4 मिनट, तो रुक जाओ मैं एक बार कैमरा सेट कर दूँ, फिर नहा करते हैं भाई। बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली ठंड हो रही है। और ये देखो मैंने खाट भी अंदर कर दी, क्योंकि यार मतलब झड़ी इतनी बुरी आ रही है, मतलब वहाँ बारिश पड़ रही है, हद तक मेरे थोड़ा बूंद आ रही है भाई, हद तक बहुत ही तगड़ी, मतलब हवा आ रही है और इधर आ रही है। तो भाई लोग मैं तुम्हें बता दूं भाई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और भाई बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है, बहुत तेज़। तो भाई लोग तुम सोच रहे होंगे कि अभी कहाँ जा रहा है इसे पहन, मतलब ओढ़सी के। तो पहले तो तुम्हें एक चीज़ दिखा दूँ, तो भाई ये सो रही है इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ। और भाई ये देख सकते हो पैसा, तो भाई मतलब कि खल लेने जा रहा हूँ मैं, और थोड़ा इसलिए आराम से बोलूँ, ये सो रही है तो मैं भी नहा धो लिया हूँ, मैं बाल हमेशा ऐसे रखता हूँ अपने। तो अब खल लेने जा रहे हैं मेरे पैसे, और खल लाएंगे तो चलते हैं जल्दी। तो भाई लोग रास्ते में हम गए खल लेने, तो अपना एक दोस्त का घर है, मैरसी कराए इधर, तो अभी वो आ रहा है, यहाँ हुक्का पुक्का भरे है, तो इससे मिल के फिर चलते हैं अपना खल। तो हम कह रहे खल की आती पर मिल लिया मुझसे, जाती पर ठीक ना बढ़ाए थे ना, वो तो मैंने बढ़ा लिया, पर मैंने अरे भैया ऐसे मत करी करो, तो मेरी मत करी करो मेरी, मतलब कर दे हम कर रहे ना। तो भाई लोग मैं इधर इसलिए आया, मतलब खल वाला टम्पू आ रहा और आ भी लिया, और सामने तुम्हें दिख रहा हो, तो इसे ले जाऊँगा घर, तो दिख रहा टम्पो इसमें आ रही हमारी खल, तो इसे घर ले जाऊँगा और खल उतार लेंगे नहीं। तो भाई लोग अपना खल वगैरह सब आ गए, देख सकते हो स्टॉक, और ये कट्टा तो खोल भी दिया है ये वाला, मतलब कि अभी यहाँ पे ओपन में रखे, इसको अंदर रखेंगे। और भाई बस यही आज का व्लॉग था, आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट बताना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।